एंड किडनी फेल होने के बाद डॉक्टर को डायलिसिस कराने के लिए बोलते हैं। तो फ्रेंड जो पेशेंट डायलिसिस करा रहे होते हैं उनके लिए जो प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि फ्रेंड जो डायलिसिस मशीन होती है वो आपके ब्लड में से जो भी प्रोटीन होता है उसको बाहर कर देती है। ऐसे में फ्रेंड जो पेशेंट प्रोटीन सही से नहीं लेते हैं वो दिन पे दिन कमजोर होते चले जाते हैं और फ्रेंड वो डायलिसिस पे ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड ऐसा क्या करें कि उनको प्रोटीन भी अच्छे से मिल जाए और फ्रेंड सारे पोषक तत्व जो उनकी बॉडी को चाहिए जो डायलिसिस पे बराबर मात्रा में निकलते जा रहे हैं, तो फ्रेंड उसको वो कैसे पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड खाना आप जब भी खाएंगे तो फ्रेंड खाने को पचने में 4 घंटे लगते हैं, उसके बाद वो ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के तब फ्रेंड आपकी बॉडी में आपके ऑर्गन्स में सारी पोषक तत्व होते हैं उसको पहुंचाता है। लेकिन फ्रेंड मैं आज आपको ऐसी एक चीज बताने वाला हूँ, ऐसा आपको एक नेफ्रो पाउडर बताने वाला हूँ जो फ्रेंड आप दूध में घोल के पीते हैं तो फ्रेंड आपको तुरंत ही जाकर के आपकी बॉडी में जो आपका प्रोटीन निकल गया है वो पूरा हो जाएगा, जो भी पोषक तत्व निकल गए हैं आपके ब्लड में से वो तुरंत ही पूरे हो जाएंगे। फ्रेंड ये हर डायलिसिस पेशेंट को लेना चाहिए और फ्रेंड इसके जो रिजल्ट हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, इससे फ्रेंड आपकी डायलिसिस पे लाइफ अच्छी हो जाती है और आप लंबे समय तक डायलिसिस पे स्वस्थ बन करके रह सकते हैं। फ्रेंड स्वस्थ बन करके सिर्फ आप डायलिसिस कराने के जाएंगे, 4 घंटे आपका ब्लड फिल्टर होगा, उसके बाद आप इसको आकर के लेंगे तो फ्रेंड आप इसके जो बेनिफिट देख करके हैरान रह जाएंगे। फ्रेंड ये इतना अच्छा वर्क करता है और फ्रेंड जब आपकी बॉडी में एनर्जी होगी आपकी बॉडी में ताकत होगी तभी आप सारे काम कर पाएंगे। अगर आपको कमजोरी हो रही है, आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपकी हड्डियां दिन पे दिन कमजोर हो रही हैं तो फ्रेंड आप डायलिसिस पे ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड मैं आपको चलिए इसके बारे में अच्छे से डिटेल देता हूं और इसके लिए आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे फ्रेंड इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। फ्रेंड ये नेस्ले कंपनी का है रिसोर्स डायलिसिस। फ्रेंड ये डायलिसिस पेशेंट के लिए ही स्पेशल है। फ्रेंड इसमें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है और फ्रेंड हाई प्रोटीन, और जो एक डायलिसिस पेशेंट का है जो डायलिसिस पे ब्लड में से सारे न्यूट्रिशन निकल जाते हैं फ्रेंड वो इसमें पूरे मात्रा में पाए जाते हैं। फ्रेंड इसको आप ले सकते हैं डायलिसिस के बाद। फ्रेंड 100 ml मिल्क में आप इसको 1 चम्मच डाल करके घोल के पी सकते हैं। फ्रेंड आप इसको नाश्ते में सुबह ले सकते हैं और फ्रेंड रात को भी आप खाना खाने के बाद सोते समय इसको ले सकते हैं। फ्रेंड मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फ्रेंड वहां से जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड ये बहुत अच्छा पाउडर है और फ्रेंड ये जो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट इसके फ्रेंड आए हैं। फ्रेंड ये आपको बिल्कुल भी बीमार सा महसूस नहीं होने देता है। फ्रेंड ये आपकी बॉडी में पूरी की पूरी ताकत, आपकी बॉडी में पूरी एनर्जी बना के रखता है। तो फ्रेंड डायलिसिस के बाद आपको ना तो कोई वीकनेस आती है और ना ही फ्रेंड इससे कोई आपको कमजोरी होती है। ये फ्रेंड सारी कमजोरी सारी वीकनेस को पूरा कर देता है। फ्रेंड ये आप मंगवा लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आपको कहीं भी मेडिकल शॉप पे अगर ये मिलता है तो फ्रेंड ये ले लीजिएगा। फ्रेंड मैंने आपको ये इसलिए बताया है और फ्रेंड बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो इसका इस्तेमाल कर चुके हैं और फ्रेंड कर रहे हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और फ्रेंड ये इस्तेमाल किया हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको इसके बारे में कभी नहीं बताता क्योंकि फ्रेंड मैं ऐसी चीजें ही आपको बताता हूँ जो हमारे एक्सपीरियंस में आ चुकी हैं और मैं ऐसे पेशेंट से भी मिल चुका हूँ जब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बिल्कुल हेल्दी हो करके अपना डायलिसिस कराते हैं और फ्रेंड डायलिसिस के बाद कोई वीकनेस नहीं होती, कुछ नहीं होता, आराम से अपना अकेले जाते हैं, अकेला आते हैं और लाइफ उनकी बहुत अच्छी चल रही है, साथ में उनकी शॉप है या वो कुछ अपना काम कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड आप भी ये ले लीजिएगा और उसको लेना शुरू करिएगा और फ्रेंड आपको 2-3 दिन में ही इसके रिजल्ट आने लग जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो समाप्त करते हैं अभी, धन्यवाद।